अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भरा मियाँ मुहम्मद अफजल बट्टू ते तुसी देखते पे हो डिजिटल किसान पाकिस्तान। मेरे किसान वीर भाओ, आपां जनाब मुंजी दे खेत विच मौजूद हैं ते पिछे है कबूटा मशीन चलती पई ते खेत हैगा जे हाईब्रिड मुंजी दा। ते अगर बाबर मेरा कजन मिल गया तो पुछांगा भी ये LP18 है, LP2 है, डायमंड है, एक केड़ी किस्म दी मुंजी लगी हुई है। ते आओ चलिए तुहानू मशीन दी परफॉर्मेंस विखाइए ते वेखिए भी केड़ी मशीन हैगी है कबूटा वाले की। AR60 उपर लिखा हुआ है तो चलने मशीन वाला, अगर कोई ड्राइवर मिल गया तो वो गलबात करांगे, नहीं तो थोड़ा मैं परफॉर्मेंस से मुंजी की कंडीशन चेक कराना। आओ चलिए, आ चेक करो जी, हाईब्रिड माशाल्लाह बहुत ही सोहनी मुंजी पक के तैयार हुई हुई है। तो ऐसे चेक करो जी, फुल मुंजर जी है ना पक्की हुई है, तो चावलों ना भरिया हुई ने, लड़ियाँ परोतिया हुई ने। इंज समझो भी इस मुंजी ने 100 क्रॉसिंग जाना है। एरोस्टार AR60 ते मशीना 12,000 11,000 एक किलो का लै रही ने, 1509 हो या रिफाइन हो। जो गल आ जाती है इस हाईब्रिड मुंजी के तो फिर जनाब रेट हो जाता है 15,000-16,000 किले का। 15,000-16,000 जरा मेरा ख्याल है भी काफ़ी रेट है, इन्होंने 12-13 ही लैना चाहिए है। लेकिन जेडे मशीन वाले ने शायद बई मेरी गल बैड़ी लगे, बाकी मैं तो गल करनी हो क्योंकि मैं भी किसान हाँ। तो मेरा ख्याल है भी 12-13,000 काफ़ी रेट है जो पोजिशन नज़र आती पी है। लेकिन उन्होंने भी कहना है मशीन वाले का दोस्तों का बई खर्चे बढ़ गए हैं, खर्चे डबल हो गए, डीजल दीमत जन्ने वी पे। तो अगर मशीन का कोई पुरजा लवन जाते हैं 100 का, वह अज 100 का लिया तो अगले दिन जाते हैं तो 200 का हो जाता है। मतलब कोई पुछन दसन वाला नहीं है। तो मंडी के रेटों के बारे भी तुम दसदा चला भी आ जे हाईब्रिड है या ईरी छे तो साढ़े पास है नहीं, कोई हाईब्रिड ही है उसकी जगह पर। यह 3700-3800 मंडी चलते पे ने, ईरीफाइन 4,000 तो लाए थे 42-4300 तक, 1509 या 1692 5,000-4800-5200 रेट चलना पे है। आप जिली साइड तो सबूती पराली सुटता भी है मशीन, तो ये ना तुसी जानवर भी पा सकते हो, ये पराली थोड़ी विक भी सकती है। लेकिन ज़्यादातर तो जेड़े ना दोस्त एको साइड आया हुआ सैलाब है, तो लोगों जेड़े ना मुफ्ती फ्री च ना चुकन देंदे पैन किसान साढ़े, तो वह जनाब चुक के लै जाते हैं अपने जानवरों को पाते हैं। तो बस दोस्तों ने यह हम पराली रखनी शुरू कर दी है क्योंकि उन्हें लगाने ने आलू, तो जो आलू लावन गए तो आलूओं के उत्ते पराली देनी होंगी है, कज करनी पैंती है दड़ नूं, तो फिर जाके कोई गल बनती है। तो फसल बहुत वधिया जी, पिछली बारी मेरे कजन ने वड्डे ने 2 किले तो 120 मण के हिसाब से निकले ने, 20 किले की एवरेज आई है, तो मतलब भी वाह रिजल्ट अच्छा मिलता भी है। इस बारी जिमें झाड़ निकला ना मकई का, इस हाईब्रिड का भी झाड़ उस तरीके ही निकलता पाया जी, ज़्यादा तो ज़्यादा निकलता पाया, 100 क्रॉस करता पाया। लगता इस बारी मौसम दाइया के भी हक च रही है।
चार फेरे मारे सो टैंकी हो गई फुल। मतलब भी झाड़ बड़ा है भी माशाल्लाह। ट्राले तो ऊपर चढ़ते देखने किनिया एक किले चो पिछे मेरा ख्याल कोई डेढ़ को कनाल बाकी है। हाँ निकला पे जी दो टैंकियां त्रै टैंकियां आईया पईया ने बाकी हूँ कुदरती पई है जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी उस्ताद जी। अस्सलाम वालेकुम है जी उस्ताद जी। अस्सलाम वालेकुम है। कितों आए जी? सियालकोट शहरों या सज्जे खब्बे पिंड चो? नर वालों। तो किन्ने इस इलाके च आए किन्ने दिन हो गए ने? 20 दिन हो गए ने। किन्नी कटाई कर ली ने? 120 किले। एक दिन च किन्नी कर जाती है कटाई? घट लभदी पई है? अच्छा ते अज किन्ने किले? ते रेट किन्ना छड्डा होया ने? हाईब्रिड दा 13,000 अच्छा। मतलब अगर एक किला होवे दूर होवे तो उस दे मुताबिक रेट ले लिया जी? इकट्ठी लभ गई तो रेट डाउन कर लिया? नहीं मतलब एक बंदा कहता मेरी 20 किले वाट दो उन्होंने रियायत कर दे जे कोई नहीं रियायत हो जाती रियायत ना तो ठीक हो गया माश एक 120 किले काट ले तो 20 दिन च चंगी चलती भी मशीन तेरी ये कबूटे जापानी है कि कोरियन है? जापानी है। आ गया जी मेरा कजन बाबर इकबाल बट्टू साहब पानी शानी लैके साढ़े पीछे तो बाबर एक कि किस्म हैगी है 123। तो किसान भीरो बाबर खान कह रही है डायमंड 123 तो रिजल्ट बहुत प्यारा। एक तो इन्हें कद थोड़ा किया इन्ना वड्डा कद नहीं है एक डिग्गी नहीं तो बाकी चेक कर सकते कि सोहना रिजल्ट निकलिया माशाल्लाह। तो मशीन का रिजल्ट भी जबरदस्त है। मेरा ख्याल है भी यदा जड़ा है ना झाड़ भी वधिया रेट भी चंगा लगेगा क्योंकि यदि जी मशीन है कबूटा ये बहुत वधिया झाड़ देती है मतलब भी सफाई करती है। झाड़ तला तला देना है लेकिन सफाई चंगी करती है। अगर आप वड्डी मशीन नू वेखिए तो वह नुकसान ज़्यादा करती है रेट उनका घट हों 6-7,000 हों किले का तो यह नुकसान थोड़ा करती है। तो बाकी फिर जी पराली में टोका मारने आप 2,000 की वह भी बचत हैगी है। जे अगर थोड़ा अपना ट्रैक्टर है तो 1,000 की वह भी बचत है उस 1,000 में भी तुम जेहन च रखना भी 1,000 की साड़ी बचत आती पी है। तो हम दोबारा उस्ताद लै चल ड्राइवर चेंज हो गया है। मशीन वेख सकते हो तो यह वड्डी मशीन है मेरे ख्याल एक इस भी छोटी होंगी है ये थोड़ी जी वड्डी है तो जिमें वड्डी है उमें बई नबेड़े भी गप्पे खोलती है। यह पराली तुसी चुक के इकट्ठी करो फिर तुसी इस मशीन तो बाद ट्रैक्टर लियाओ डिस्कां फेरो तो अपनी जमीन तैयार करके अगली फसल वास्ते रौनी करो। इत्थे आलू लगने ने आलमों वास्ते जमीन तैयार होंदी पई है। तो दोस्तों काफ़ी लोगों ने मैनू कमेंट करके आख्या तो व्हाट्सएप भी किया भी सानू ना एक बूटा मशीन का कोई राबता नंबर दो। कोई कहता 100 किला बढ़ावनी कोई 50 कोई 150 तो साढ़े नाल फाद भाई मौजूद है जिन्हां दी मशीन हैगी है वो अपना नंबर देंदे ने। भाईजान अपना नंबर लिखाओ 03486583 200 या उर्दू जी 0348 63 65 83 788 तो दोस्तों जिन्होंने मुंजी की कटाई करवानी हो इस तरह की इन्हों रबता कर सकते हो। तो ये उम्मीद है माशाल्लाह कटाई बहुत वधिया करते पे ना तुहानू भी नज़र आती भी होगी। तो अगर तुम इन्हों नेड़े हो या दूर हो लेकिन इन्हों की शर्त है भी शनाख्ती कार्ड अपना भेजने
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾ ਚੁੱਕੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।